हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेमोलिना यानी सूजी का बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। गारंटी आपने ऐसी रेसिपी ना कभी खाई होगी ना कभी देखी होगी। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम बहुत ही आसान रेसिपी लेके आते हैं, वो भी घर की चीजों से, यानी जो हर किचन में आसानी से उपलब्ध होती है। तो आज की रेसिपी हम बनाने वाले हैं सेमोलिना यानी सूजी। कुछ लोग इसे रवा भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये जो मैंने लिया है वो बारीक वाली लिया है। अगर आपके पास मोटी वाली हो तो मिक्सी जार में डालकर एक बार ग्राइंड कर लेना, लेकिन बारीक वाली ही करके यूज करना। अब हमने जो वेट में लिया है वो आपको बता देते हैं। तो वेट नहीं है, मुश्किल से 20 ग्राम है। नाप में एक कटोरी है। अगर आपकी कटोरी बड़ी है तो आपको आधी कटोरी लग जाएगी। मेरी कटोरी छोटी है तो मैंने एक कटोरी लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे, उसके अंदर अपनी ये बारीक सेमोलिना यानी सूजी को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये वेट ने 20 ग्राम है, मैंने आपको बता ही दिया है। तो सूजी डालने के बाद अब इस पर हम डालेंगे शुगर। तो जितनी हमारी शुगर थी यानी सूजी थी उतनी हमारी शुगर जाएगी। तो ये भी वेट ने 20 ग्राम है, नाप में एक इसी कटोरी के हिसाब से डाला है। जिससे आप सूजी लीजिए उसी से आप शुगर यानी चीनी ले लीजिए। कुछ लोग इसे शक्कर भी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी कितना ऐड करना है आपको बताते हैं। तो जिस कप से हमने सूजी डाला था उसका हमें 2 कप पानी इसके अंदर डालना है, यानी कटोरी कप जो भी ले लीजिए। तो मैंने कटोरी यूज़ किया तो मैं कटोरी से डालूंगी। तो ये गई हमारी पहली कटोरी पानी की और ये गई हमारी दूसरी। अब इनको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम 3 से 4 मिनट का टाइम लेंगे ताकि सूजी और जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसे हम कवर करके रख देते हैं और 5 मिनट बाद चेक करेंगे। तो चलिए 5 मिनट बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, ये चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारी सूजी और शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे उसी कटोरी से 1 कटोरी गेहूं का आटा, जो हमारा वेट ने उतना ही है जितनी सूजी थी और जितनी शुगर थी। तो तीनों की मात्रा इक्वल रखनी है और इसको हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ सा बैटर अपना रेडी हो जाए। और इसमें हमें गुठलियों को बिल्कुल हटा देना है। तो इस तरह से आप साइड लेकर के गुठलियों को खत्म करते जाइए और बिल्कुल स्मूथ सा आप इसको बना लीजिए। तो चलिए फटाफट हम इसको स्मूथ कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने इसको कर लिया है। अब इसमें हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं। तो आप इसमें डाल सकते हैं खोया डाल सकते हैं या फिर आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें क्या डालना है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं इसमें नारियल डालूंगी जो मैंने ग्रेट करके लिया है, और ये वेट ने भी उतना है जितना हमारा था। तो 20 ग्राम हमने डाल दिया है, ये 1 कटोरी है, और इसको डालकर हम मिक्स कर लेंगे। इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हमें मिला लेना है। अब इसमें हम क्या डालते हैं आपको बताते हैं। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा केवड़ा डालेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसमें रोज़ वाटर डाल सकते हैं या फिर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन केवड़ा डालने से बिल्कुल मार्केट का टेस्ट आएगा और स्मेल भी बहुत प्यारी आएगी। तो जहाँ मीठा होता है वहाँ पर मक्खियाँ ज़रूर आ जाती हैं, ऐसा क्यों होता है आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद अब इसे हम वापस से 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए, और 2 मिनट के बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए 2 मिनट बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, बैटर हमारा रेडी हो चुका है इस तरीके से। अब चलते हैं गैस की तरफ, बनाना शुरू करते हैं। चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, और एक हमने पैन रखा है, आप चाहे तो कढ़ाही ले लीजिए लेकिन थोड़ी सी फैली वाली लेना। और इसमें हमने बहुत ज़्यादा भर के तेल नहीं रखा है, इतना तेल रखना है कि इसे हम जब डालें तो बस ये डूब जाए, बहुत ज़्यादा ऊपर तक ना तैरे। तो अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बिल्कुल हाई करके तेल को गर्म करेंगे, और जो कढ़ाही या पैन होना चाहिए वो थोड़ा सा भारी होना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को लो करते हुए इस तरीके से डालेंगे। और इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद ही अपने आप फूलता चला जाएगा। देखिए इस तरह से। अब इसे पकने दीजिए और 2 मिनट के बाद टर्न करें। तो फ्रेंड देखिए ये हो चुका है। अब हम 2 मिनट के बाद इसको आराम से इस तरह से टर्न कर देंगे। कितना प्यारा कलर आया है। और यहाँ पे ख्याल आपको ये रखना है कि इसमें जब 2 मिनट हो जाए तभी छूना है, उससे पहले नहीं टच करना। तो ये वाले हमने बाद में डाले थे, जो हमने पहले डाले थे उसको हम पहले टर्न कर देंगे। ये देखिए, और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे दूसरे साइड से भी सिक जाने देंगे 2 मिनट, फिर उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे।
तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इस दर वाले को, अब हम इसको भी आराम से पलट देंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप इसमें 2 चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर आप चाहे तो 2 चम्मच से भी पलट सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो चलिए पकने देते हैं और 2 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, आइए हम आपको इसको दूसरे साइड से भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है और ये डन हो गए हैं। तो हम फटाफट निकाल लेंगे इस तरह से, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो वापस इसी में चला जाए। तो काफ़ी मज़ेदार है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड दोबारा बनाने के लिए हमने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है, इसको हम मिक्स कर देंगे ताकि अच्छा सा कलर आए। तो फ्रेंड तेल हमारा गर्म हो गया है, इस तरह से हम डालेंगे। तो ये हमारा कलर वाला है, आप चाहे तो जैसा कलर देना चाहे वैसा कलर दे सकते हैं। अब इसको हम पकने देंगे सेम पहले वाले की तरह, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से गुब्बारे की तरह फूल जाता है, जब ये फूल जाए तब आपको इसकी साइड को बदल देना है। देखिए कितना फूला फूला, कितना बढ़िया बनेगा बिना किसी बेकिंग पाउडर या सोडे के इस्तेमाल के। तो इसे बढ़िया तरीके से एक साइड को खोने के बाद ही पलटना। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो चलिए जैसे हमने पहले वाला बनाया था उसी तरीके से ये वाला भी रेडी कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, नई वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा डियर। तो ये देखिए कितने फूले फूले से ये बनते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग कितना फूला है, कितना फ्लफी है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं, जब ये कुक हो जाएगा तब फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए मैंने रेडी किया है, ये थोड़ा सा कलर वाले हैं, देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है। और ये बिना कलर वाले हैं, विदाउट कलर, तो इसका कलर ऐसा आएगा। अगर आपको ऐसा पसंद है तो आप ऐसा ही बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से थोड़ा सा फूड कलर जरूर डाल देना, उससे बहुत ही प्यारा लुक आएगा। और देखिए कितना जालीदार बना है, और दूसरी बात बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, आपको दिखा देते हैं। और अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मेल्ट होने वाला मुंह में बना है। और ये मिठाई खा के आपको मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मक्खन मलाई का टेस्ट आता है इसमें, जो हमने नारियल डाला है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है, मुंह में मेल्ट होने वाला बना है, और कितनी प्यारी मिठाई लग रही है। कम बजट की, आपके यहाँ जब भी छोटी मोटी पार्टी हो इस मीठे को ज़रूर ट्राई करना। और ये वाला भी आपको दिखा देते हैं, तो ये वाला भी वैसा ही है, ये देखिए, और अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बना है, देख सकते हैं आप लोग। तो कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलिए मैं इसे इन्जॉय करती हूँ, आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ जल्दी ही।